कृष्णा चांदगुड़े, इनका सवाल है कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जब जिंदा थे तो ये आरोप क्यों नहीं किए? मुझे कहाँ पता था कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर आगे रगत नहीं रहने वाले हैं? मुझे नहीं पता था ना, मेरे लिए कानून बहुत महत्व की चीज थी। कानून तक मैंने कोई ये बात लोगों के सामने नहीं कही है, उसके पहले भी मैं कह सकता था। जब कानून हो जाएगा उसके बाद में मैं बोलूंगा, जब चाहे तब, आवश्यकता पड़ेगी तब बोलूंगा। अगर ये झूठ बात फैलाई नहीं होती, बार बार उसको रिपीट नहीं किया गया होता कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की निर्मिति हमने ही की है, ये हमारा निर्माण है, तो मुझे आज ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैं रेफरेंसेस देता हूं कि कानून के लिए 95 से लेकर 2005 तक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने ही मेहनत ली है, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं, उनके काम में मैंने कभी हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया है। ये रेफरेंस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बारे में भी दिया जा सकता था, ये झूठ क्यों? कानून के बारे में भी झूठ क्यों? आप ही यानी नरेंद्र दाभोलकर जी ही अपने किताब में लिखते हैं कि कायदा इतना मिणमिणित झालेला है कि अब उसमें कुछ दम नहीं बचा है, और फिर कहते हैं कि ये कायदा मेरा ही है। इस कानून का अगर पूरा का पूरा प्रारूप मैंने बदल दिया है, उसका शब्दांकन मैंने किया है, तो इस बात को स्वीकारने के लिए आपको क्या अर्ज है? झूठ का सहारा क्यों? मेहनत दाभोलकर जी की जहां है वहां तो मैं कहता हूं, मेरे हर भाषण में कहते आया हूं, मैंने कभी छुपा के नहीं रखा। तो आप जो सवाल पूछ रहे हो वो उसका का जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया है। मुझे पता नहीं था कि दाभोलकर जी जिंदा नहीं रहेंगे, किसी को नहीं पता था, आपको भी पता नहीं था, उनको भी पता नहीं था। अचानक उनकी हत्या हो गई। ये हत्या हो सकती है, मैं 2008 से चिल्ला रहा हूं, मेरी भी हो सकती है, दाभोलकर की भी हो सकती है, बाकी लोगों की भी हो सकती है, कौन कर सकते हैं, तब से चिल्ला रहा हूं। केवल चिल्लाया नहीं, लेखी भी दिया, गृह मंत्रालय को दिया, शरद पवार जी को दिया था, हेमंत करकरे जी को दिया था, आर.आर. पाटिल को भी दिया था, लेखी दिया था कि ये लोग क्या क्या कर सकते। इसीलिए मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, बाबा आढ़ाव जी का नाम लेता हूं, जो जो रेफरेंस में नाम आते हैं उनके नाम लेकर बोलता हूं। अगर ये झूठ फैलाया नहीं होता तो ये बात कहने की आवश्यकता नहीं होती। हर एक के कथन में ये होता है कि ये संगठन हमने ही निर्माण किया है, सब कुछ हम ही है। नाम तो मेरे से उठाया ना, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ये नाम अगर उठाया है तो कम से कम उसका क्रेडिट या फिर उसकी सच्चाई जो है, उसकी पूर्व पीठिका जो है, वो तो कहनी चाहिए। वहां झूठ क्यों? वहीं तक मेरी बात सीमित। मुझे दाभोलकर जी के काम के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनका काम का तरीका जो है वो उनका अपना तरीका था, है, मेरे काम का तरीका अलग है, वो मेरे काम का तरीका, मेरे संगठन का तरीका अलग है, वो है। कानून के लिए सब लोग साथ में आए, कानून में बात कही, उसमें भी ये मतभेद ना दिखे, इसकी पूरी केयर मैंने ली। कानून पूरा बनने तक मैंने कोई बात बाहर नहीं आने दी, क्योंकि काम की हानि नहीं होनी चाहिए, इसको मैंने ज्यादा महत्व दिया। फिर भी हम कहते रहे कि ये कानून तो हमने ही बनाया है, 2005 में इसमें पूरा परिवर्तन हो गया था और बाद में विधानसभा में वो सम्मत हुआ था। हमने माना कभी कि इसमें मानव साहब ने चेंजेस किए हैं और उसके बाद में ये सम्मत हुआ है? बोला है कभी जाहिर तरीके से 2005 से लेकर 2013 तक? बताएंगे आप कभी? एक जगह पर बोला है, ऑडियो राइटिंग में या फिर कोई साक्षी, आप भी साक्षी कि नहीं दाभोलकर साहब ने ऐसा बोला था? पूरी तरह से कानून में परिवर्तन किया गया, क्या क्या परिवर्तन किए गए ये भी जब सवाल पूछेंगे मेरे साथी तब मैं जवाब दूंगा।
बोला है, उसके लिए मानव साहब ने 100 से ज्यादा एमएलए से बात की, उनको पटाया, और उसके बाद में 2005 में विधानसभा में यह सम्मत हुआ था। कभी एक बार भी कहा? मैं कहता रहा कि दाभोलकर जी ने मेहनत ली है, कानून का प्रारूप तैयार किया है, क्योंकि सच्चाई के साथ में रहना चाहिए, चाहे अपना दुश्मन हो चाहे अपना मित्र हो। ये मेरा पहले से आग्रह रहा है, तो आग्रह मैंने कायम रखा। मेरे हर भाषण में आप दाभोलकर जी का नाम सुनेंगे। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपके पास आ गया। मुझे अगर पता होता कि दाभोलकर जी नहीं रहने वाले, तो मैं पहले बोलता, वो जिंदा होते तब। लेकिन तब बोलना उचित नहीं था, क्योंकि कानून बनना ज्यादा महत्व का था।